दोस्तों आज बात करेंगे एक फ़ोन के बारे में जो एक चाइनीज़ ब्रांड का है, लेकिन चाइनीज़ सुन के आप भाग मत जाना क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन आते हैं कार्व डिस्प्ले के साथ, यानी कि डिस्प्ले के दोनों साइड पर आपको एज देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही डुअल रियर कैमरा भी है। और इस फ़ोन का नाम है ऑलकॉल रियो। एक ही डाउनसाइड है कि इसके अंदर आपको सिर्फ 3G मिलते हैं, कोई भी 4G फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं। और इस फ़ोन के अंदर है बहुत 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 स्पेशल कुछ फीचर्स जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जुड़े मेरे साथ। दोस्तों सच में ही डिस्प्ले के दोनों साइड पर आपको कार्व डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, लेकिन वो उतना विजिबल नहीं है जितना आपको फोटो में देखने को मिलते हैं। फ़ोन काफ़ी अच्छा है और रियल सॉलिड है, और फ़ोन को बताया जाता है कि मेटल का बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये मेटल उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। और इसके साथ ही इसका जो डिस्प्ले है इसके ऊपर 3 प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है जो बहुत ही हार्ड है। और इसके नीचे आपको देखने को मिलते हैं डुअल स्पीकर, और फ़ोन की एक साइड में दिया गया है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और इसके साथ ही लॉक अनलॉक बटन, और ऊपर दिया गया है माइक्रो USB पोर्ट और 3.5 mm USB जैक, और फोन के दूसरे साइड में दिया गया है सिम ट्रे। और इस फोन के अंदर दिया गया है 5 इंच का TFT IPS डिस्प्ले जो है 1280x720 पिक्सल्स का। हालांकि रेजोल्यूशन कम है, लेकिन IPS पैनल होने के कारण आपको कलर शिफ्टिंग या फिर कोई भी टेक्स्ट एक्सट्रीम एंगल पर जाने पर ही नेगेटिव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको उतना ज़्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और ये डिस्प्ले एक 5 points कैपेसिटेंस टच पैनल है, और इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग जैसा फीचर्स भी मिलते हैं। फ़ोन की फ्रंट में दिया गया है 2 megapixel का कैमरा, ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पीछे डुअल रियर कैमरा मिलते हैं जिसके अंदर एक है 8 megapixel का कैमरा, वो एक RGB सेंसर है, और दूसरा है 2 megapixel का कैमरा जो एक मोनोक्रोम सेंसर है। और ये दोनों कैमरा ही बढ़िया काम करते हैं इस प्राइस के हिसाब से, और आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैमरा के सेटिंग्स में। और इसके साथ ही इसका डायनेमिक रेंज और कलर प्रोडक्शन ये भी बहुत ही बढ़िया था, और वाइब्रेंस भी ठीक ठाक था, और जो डायनेमिक रेंज ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। और जो शटर स्पीड है ये बिल्कुल ही ज्यादा नहीं है और बहुत ही लैग करते हैं शटर स्पीड, लेकिन दोस्तों फोटो जो है ये काफी अच्छा आते हैं, तो कुछ फोटो सैंपल्स आपको दिखा देते हैं। और इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं 1 GB का रैम, 16 GB का रोम, और इसके साथ ही चिपसेट दिया गया है MediaTek का MT6580A क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसके साथ ही GPU दिया गया है ARM Cortex A7, और एक्सटर्नल कार्ड के साथ आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे 32 GB तक। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको बढ़िया सा गेमिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन आप हाई ग्राफिक्स गेम तो नहीं खेल सकते इस टाइप के फ़ोन के अंदर, क्योंकि आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लैग्स। लेकिन जो मीडियम साइज़ का गेम्स है दोस्तों ये आप आसानी से खेल सकते हो, और 2D गेम्स तो बढ़िया तरीके से ही चलेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है एंड्रॉयड 7.0। और इस फोन के अंदर दिया गया है 2700 mAh का बैटरी, जो बढ़िया बात है इस टाइप के फोन के लिए। तो वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा कुछ फीचर्स है, ये है इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों पता नहीं कि आप इसे रिव्यू समझेंगे या रोस्टिंग, तो देख लेते हैं कि क्या क्या खास फीचर दिया गया है इसके अंदर। तो इस फ़ोन का डिस्प्ले इतना हार्ड है कि कोई भी किसी का सर फोड़ सकते हैं इस फ़ोन से, और कारपेंटर इससे लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपकी कार कोई गड्ढे में पड़ गया तो इस फ़ोन की मदद से आप आपकी कार को सपोर्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फ़ोन इस टाइप के प्राइस के लिए बहुत ही बढ़िया है, और इसका प्राइस रखा गया है 4552 rupees, और ये आपको मिलेंगे बैंगलोर पर, और लिंक जो है परचेस का ये डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और आया तो प्लीज़ लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।